हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई पतीला। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूर एक जमींदार के यहाँ खेती का काम करता था जिसका उसे बहुत कम मेहनताना मिलता था। ऐसे ही गरीबी में उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन वो खेत में बीज बोने के लिए फावड़े से खुदाई कर रहा था, तभी उसे फावड़े के किसी धातु से टकराने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? उसने जमीन की तरफ देखा तो उसे पीतल का टुकड़ा जमीन में गड़ा दिखाई दिया। लगता है पीतल की कोई कीमती चीज है। वो पीतल के टुकड़े के आसपास जोर जोर से फावड़ा मारने लगा। बहुत देर तक उस छोटे से टुकड़े के आसपास खुदाई करने पर भी उसे उस टुकड़े का अंत नहीं मिला। वो जितनी ज्यादा खुदाई करता जा रहा था वो टुकड़ा उतना ही बड़ा होता जा रहा था। अंत में जब उसने जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खोद डाला तब उसे उस टुकड़े का अंत मिला। ये कोई कीमती चीज नहीं बल्कि खाना बनाने का एक बहुत बड़ा पतीला था जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना बनाया जा सकता था। मजदूर ने ये देखा तो वो बहुत निराश हुआ। मैंने इस बड़े से पतीले के लिए इतनी मेहनत की, मैं तो अकेला रहता हूँ, इतना सारा खाना मैं किसके लिए बनाऊंगा? ऐसा कहकर उसने अपना फावड़ा पतीले में फेंका और थोड़ी दूर पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। हे भगवान, कहां मैं किसी कीमती चीज की उम्मीद कर रहा था और कहां मुझे ये बेकार सा बर्तन मिला जिसने मुझे इतना थका दिया। अब मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। और वो वही पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर बाद जब वो जागा तो अपना फावड़ा लेने के लिए वो उस पतीले के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने पतीले के अंदर देखा वो हैरान रह गया। पतीले के अंदर एक नहीं कई सारे फावड़े थे। उसने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई नहीं है, तो ये इतने सारे फावड़े कहाँ से आए? मैंने तो इसमें बस एक ही फावड़ा डाला था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने सारे फावड़े पतीले में से गिनकर निकाले। ये 99 और ये हुए 100। और फिर उनमें से एक फावड़ा उठाया और उस पतीले में डाल दिया। फावड़ा डालते ही वो 1 से 100 हो गए। ये देखते ही मजदूर समझ गया कि ये एक जादुई पतीला है जिसमें कुछ भी डाला जाए तो वो 100 गुना हो जाता है। अरे वाह, ये तो जादुई पतीला है, इससे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर वो उस पतीले को अपने घर ले आया। अब वो रोज उस जादुई पतीले में एक फावड़ा डालता और उसके 100 हो जाने पर उसे बाजार में बेच आता। कुछ दिनों बाद उसने जमींदार के यहाँ काम करना भी बंद कर दिया। एक दिन जमींदार को उस पतीले के बारे में पता चला तो वो उस मजदूर के घर गया। मजदूर, मुझे मेरा जादुई पतीला वापस दो। लेकिन ये जादुई पतीला तो मुझे मिला है। ये पतीला तो तुम्हें मेरे खेत में खुदाई करते वक्त मिला था, इसलिए ये मेरा हुआ। ऐसा कहकर उसने मजदूर को धक्का देकर गिरा दिया और वो पतीला ले लिया। अब जमींदार उस पतीले की मदद से अपनी सभी कीमती चीजों को 100 गुना करने लगा। उसने अपने सारे हीरे जवाहरातों को भी 100 गुना कर लिया। जल्द ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। पर जैसे जमींदार को उस मजदूर के बारे में पता चला था वैसे ही वहाँ के राजा को उस जमींदार के बारे में पता चल गया और वो कुछ सैनिक लेकर जमींदार के घर पहुँचा। जमींदार, ये जादुई पतीला मेरे राज्य की जमीन से निकला है और इस राज्य की हर वस्तु पर मेरा अधिकार है, इसीलिए ये पतीला भी मेरा हुआ। ऐसा कहकर उसने जमींदार को धक्का देकर गिरा दिया और पतीला लेकर अपने महल लौट आया। राजा मजदूर और जमींदार से भी ज्यादा लालची था। उसने अपने सैनिकों से कहकर पहले महल के सभी हीरे जवाहरातों को 100 गुना किया और फिर उस 100 गुना हीरे जवाहरातों को भी 100 गुना कर लिया। अब उसके पास हीरे जवाहरातों का बहुत बड़ा भंडार हो गया।
एक दिन राजा जादुई पतीले के पास खड़ा उसे देख रहा था, तभी उसे ख्याल आया। देखने में तो ये एकदम साधारण सा पीतल का पतीला लगता है, फिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे जादुई बनाता है? मुझे पता लगाना चाहिए। हो सकता है मुझे किसी ऐसे रहस्य का पता चले जिससे मैं और भी धनवान हो जाऊं। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। ये सोचकर उसका चेहरा चमकने लगा और वो उस पतीले में कूद गया। वो पतीले में हाथ मारकर और उंगलियों से कुरेदकर उसकी जांच करने लगा, पर उस पतीले में ऐसा कुछ भी खास नहीं दिखा। अंदर से तो ये एकदम साधारण सा पतीला लगता है। तभी अचानक उस पतीले में से एक के बाद एक राजा के हमशक्ल राजा निकलने लगे। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। तभी उसे याद आया, ये मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे भूल गया कि ये पतीला हर चीज को 100 गुना कर देता है, और इसने तो मुझे भी 100 गुना कर दिया। जब पतीले में जगह कम पड़ने लगी तो सभी राजा उस पतीले से निकलकर बाहर खड़े हो गए। असली राजा भी पतीले से बाहर आया और बोलने लगा, मैं इस राज्य का राजा हूँ तो इसलिए। पर सभी हमशक्ल राजा उसकी बात को अनसुना कर राज सिंहासन की तरफ पढ़ने लगे। असली राजा ने ये देखा तो उसे बहुत चिंता हुई। वो दौड़कर अपने सिंहासन पर बैठ गया और बोला, तुम सभी पतीले के जादू से निकले मेरे हमशक्ल हो, मैं असली राजा हूँ, इसलिए ये सिंहासन मेरा है। सिंहासन राजा का होता है और राजा मैं हूँ, मैं भी राजा हूँ, इसलिए ये सिंहासन मेरा हुआ। नहीं, ये सिंहासन मेरा है। ऐसे एक के बाद एक सभी 100 राजा सिंहासन पर अपना हक जताने लगे। कुछ देर बाद सभी गुस्सा हो गए और उन्होंने तलवार निकाल ली। कोई मेरे और मेरे सिंहासन के बीच में नहीं आ सकता। और सभी राजाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। सभी सिंहासन के लिए एक दूसरे को मारने लगे। बहुत घमासान युद्ध चला और अंत में असली राजा समेत सभी 100 राजा सिंहासन के लालच में मारे गए। और इस लड़ाई में पतीले के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वह अब किसी काम का ना रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच में इंसान की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। लालच में आकर ही राजा जादुई पतीले में कूद गया और लालच की वजह से ही 100 हमशक्ल राजाओं ने एक दूसरे को मार डाला। इसलिए हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।